आईपीएल 2021 में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, नीलामी की जा चुकी है और अब इंतजार है एक्शन शुरू होने का। लेकिन आईपीएल के इस खेल में राजनीति का तड़का लग चुका है। आईपीएल के सहारे कुछ राजनीतिक लोग अपनी सियासत की रोटी भी सेकने में जुट गए हैं। दरअसल आईपीएल 2021 के ऑक्शन में हैदराबाद की टीम ने लोकल खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया है और अब टीम को इसी वजह से आलोचना झेलनी पड़ रही है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस के विधायक और पूर्व मंत्री दानम नागेंद्र ने तो हैदराबाद की टीम में लोकल खिलाड़ी न होने पर प्रबंधन को धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा कि सनराइजर्स में हैदराबाद के खिलाड़ी चुने जाएं, वरना फ्रेंचाइजी अपने नाम से हैदराबाद को हटा दे। उन्होंने आगे कहा कि अगर हैदराबाद के खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी टीम में नहीं लेती है तो जब भी आईपीएल के मैच हैदराबाद में होंगे वो और उनके समर्थक इसका विरोध करेंगे। नागेंद्र का कहना है, आईपीएल की अन्य टीमों में अपने अपने राज्य के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन हैदराबाद में कई टैलेंटेड खिलाड़ी होने के बाद भी एक को भी फ्रेंचाइजी ने नहीं लिया। सिलेक्शन प्रोसेस में भी कई तरह की गड़बड़ियां हुई जिसकी हम निंदा करते हैं। यहां से केवल मोहम्मद सिराज ही अब तक आईपीएल के लिए निकले हैं, जबकि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो रणजी ट्रॉफी के साथ ही अंडर 19 टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहे हैं। अगर इन्हें लीग में मौका मिलता तो इसमें भी वो अपनी क्षमता साबित कर सकते थे। सनराइजर्स टीम मैनेजमेंट को इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 फरवरी को चेन्नई में हुए मिनी ऑक्शन में 3 ही खिलाड़ियों को खरीदा था। इसमें जगदीश सुचित, केदार जाधव और मुजीबुर रहमान शामिल है। टीआरएस विधायक को तकलीफ सिर्फ इतनी ही नहीं है, उन्हें डेविड वार्नर के सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान होने पर भी आपत्ति है और उनका मानना है कि हैदराबाद को वार्नर को टीम का कप्तान नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो मैच फिक्सिंग में शामिल थे। दरअसल पिछले साल बॉल से छेड़छाड़ के मामले में डेविड वार्नर को 1 साल का बैन झेलना पड़ा था और इसी बात को लेकर विधायक जी को वार्नर से आपत्ति है। बता दें कि डेविड वार्नर की कप्तानी में साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था और तभी से वो टीम की कमान संभाल रहे हैं। हालांकि साल 2017 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा बॉल टैंपरिंग विवाद की वजह से लगे 1 साल के बैन के चलते वो 2018 का आईपीएल नहीं खेल पाए थे और उनकी जगह केन विलियमसन ने सनराइजर्स की कप्तानी की थी। 1 साल बाद वार्नर ने शानदार वापसी करते हुए हैदराबाद के लिए 12 मैच में 692 रन बनाए। पिछला सीजन भी डेविड वार्नर का काफी शानदार रहा और उनके बल्ले से 16 मैचों में 548 रन आए। वार्नर के शानदार प्रदर्शन की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद पिछले सीजन में प्लेऑफ तक भी पहुंची थी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।